a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from both the numerator and the denominator. सबसे पहले तो initial fraction क्या थी, let the fraction, मैंने माना एक fraction क्या थी, x by y. हमने क्या करा, इन दोनों में से 1 1 कम कर दिया, तो ये होगी 1 by 3, x minus 1, y minus 1, ये आगे 1 by 3, तो यहां से क्या आ गया, 3x minus 3 is equal to y minus 1, यहां से क्या आ जाएगा, 3x minus y is equal to, ये 3 जा जाके प्लस हो जाएगा, आ जाएगा finally 2. अब आगे है, the same fraction becomes 1 by 2 when 1 is added to both the numerator and the denominator. कह रहा यही वाली fraction अब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 by 2. देखो ये fraction थी x by y, कह रहा अगर दोनों में 1 add कर दिया जाए, तो यहां से क्या आ गया, 2x plus 2 is equal to y plus 1, यानी क्या, 2x minus y is equal to 1. ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, मैंने क्या करा, ये वाली इक्वेशन यहां पर लिख दी, तो ये क्या आ गया, 3x minus y is equal to 2. तो यहां से मुझे आराम से दिख रहा है, देखो ये एक x बढ़ गया, तो यहां पर एक ये नंबर बढ़ गया, तो x आ गया 1, x आ गया 1, तो y भी कितना आ गया, 1. डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ये 2 इधर आके होगा माइनस, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है. अब ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, क्या है, हमसे पूछा है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, हमें डिनोमिनेटर बताना है फ्रैक्शन का, ठीक है. देखिए y की वैल्यू चाहिए हमें, यहां पर y क्या है, y आ जाएगा 3x minus 2, हम x की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहां से y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 3x minus 2, यानी 3 into 3 minus 2, ये कितना आ गया, 7. 7 कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, तो वो हमारा आंसर हो गया.